दोस्तों नमस्कार मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में भाई ऐसी हालत हो गई है प्रधानमंत्री मोदी की चुनाव हारने के डर से लगता है कहीं उनकी फाइलें ना खुल जाएं उनके जो करप्शन के वादे अदानी के साथ हैं वो ना खुल जाएं वादे उन लोगों के साथ हैं जिन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने खूब पैसा कमाने के लिए अपॉर्चुनिटीज दी और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव हार गए और चुनाव हारने के बाद फिर होगा क्या फाइलें खोली जाएंगी किससे खोले जाएंगे उनके सौ में कहीं मोदी जी के रिश्तों के नाम दफन होंगे वैसे तो रफेल की फाइलें जला दी गई हैं हर जगह पता है सबको पता है जला दी गई लेकिन यहां कुछ ऐसा हो रहा है चुनाव प्रचारों में कि जहां पर चुनाव प्रचार में नौकरशाहों की और सेना की मदद ली जा रही है लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव आयोग जो है अपना मुंह बंद किए बैठा है क्रॉस लगा करके इस चुनाव आयोग को आप अपना पुस्तक कहेंगे या क्या कहेंगे या क्या बात करेंगे इसके बारे में जिसने देश को देखने का ठान रखा है बात क्या करेंगे उसने पालिका के बारे में जिसने इस देश की नीलामी के लिए साहिब को अपॉइंट कर रखा है मैं इससे ज्यादा शब्द यूज नहीं कर सकता स्वतंत्रता की आजादी और अभिव्यक्ति इससे ज्यादा नहीं हो सकती कि आप आरोप लगाए तो आरोपों का जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए ऐसे ही कुछ आरोप पत्रकारों की तरफ से लगाए जाते हैं जिसमें बात पूछी जाती है भाई साहब से सुल्तान से सुल्तान जो है एक फरमान जारी करते हैं उस फरमान में वो लेटर जारी करते हैं जिसमें कहा जाता है कि भैया एक रथ यात्रा निकालो इतने गांव तक जाओ इतने प्रदेशों तक जाओ बताओ कि देश विकसित हो चुका है घंटा विकसित हो चुका है गांव में पानी नहीं पहुंचा है गांव के लोगों का जीवन स्तर बस से बदतर हालात में है कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश जो है महिला अत्याचार रोक नहीं पा रहा घंटा विकसित देश हो गया मेट्रो ट्रेन चल नहीं पा रही है बुलेट ट्रेन का वाला किया था बुलेट ट्रेन चल नहीं पा रही है क्योंकि तो जापान आप पर विश्वास करने वाला नहीं है आप हिंदू मुस्लिम फैलाओ, आपके भक्त जो हैं कुछ ड्रामा करते हैं आज बस एक मौका दे देना हमको हम ईट से ईट बजा देंगे पर इसराइल की आन वान शान को नीचे नहीं आने देंगे जो व्यक्ति भारत माता की जय बोलने में हिचकता है जय नहीं लेता है तो वो देशद्रोही है मेरे हाथ में एक फोर दो और सामने लाख लोग चाहिए पहले आप ये बताओ की आपको दस लाख लोग चाहिए या एक करोड़ लोग चाहिए हम बैठे हुए तैयार हर घर से मेरे जैसे निकलेंगे वो ऑफ्शन नहीं निकाल पाएंगे लेकिन मैं मेरे जैसे हजारों में नहीं लाखों में खड़े कर दूंगा मेरे जैसे बस आप एक बार इशारा कर देना हमारे लिए अपने दरवाजे खोल देना हम जिस समय कहोगे उस समय आपके वहां आने के लिए तैयार हैं बस एक मौका दे देना हमको हम ईट से ईट बजा देंगे पर इसराइल की आन बान शान को नीचे नहीं आने देंगे जो आज भक्त ड्रामा करते हैं कि भैया हम इसराइल जाएंगे ये करेंगे वो कर देंगे वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर और दूसरी तरफ उसके काउंटर में एक वीडियो आया जाता है जिसमें कहा जाता है कि फिलिस्तीन को मदद हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भेज रही है ये दोहरे मापदंड तो ना होने चाहिए जहां प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी हार से घबराए हुए हैं और लेटर जारी करते हैं और उसके बाद उथल पुथल चलती रहती है खबरों पर खबरें और ये सारी चीजें लेकिन इनके बारे में खुलासा करते हैं प्रसन्न कुमार वाजपेयी प्रसन्न कुमार वाजपेयी वो एक ऐसे पत्रकार हैं जो अब भी यूट्यूब पर सक्रिय हैं और सबूत के साथ देते हैं वो खबरें एक लेटर जारी होता है भाई गवर्नमेंट की तरफ से नौकरशाहों के लिए सबके लिए वाकई में शर्मनाक है प्रधानमंत्री मोदी के लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी के पास अपनी उपलब्धियां होती तो रथयात्रा यात्रा नौकरशाहों और सेना के लोगों से कराई जाती सुनिए कुमार क्या कह रहे विकसित राष्ट्र होने की दिशा में बढ़ चला है और अगर विकसित देश भारत नहीं हो रहा है और आपके भीतर कोई सवाल है तो फिर हो सकता है कल आपके घर के दरवाजे पर भी एक फरमान आ जाए और जिसमें लिखा हुआ हो आप ही को यह प्रचार करना है कि भारत विकसित राष्ट्र हो चला है और यह प्रचार आपको अपने घर पर अपने मोहल्ले में अपने गांव में अपने उस पूरे इलाके के भीतर करना है जहां पर भी आप जा सकते हैं क्योंकि यह फरमान है तो आपको यह काम करना पड़ेगा आप कहेंगे कैसे यह संभव है जिस देश के भीतर अभी भी रोजगार को लेकर लाले पड़े हुए हों किसानों को अपनी आय जो लागत होती है वह भी मिल नहीं पा रही हो हाथों में डिग्री लेकर इस देश के भीतर का युवा अभी भी सड़कों पर धूल फांक रहा हो और आप कहते हैं हम विकसित हो चले हैं अगर विकसित का मतलब प्रति व्यक्ति आए ही सही तो अभी भी हम लगभग तेरह गुना विकसित राष्ट्रों की तुलना में पिछड़े हुए हैं तो हम विकसित कैसे हो गए लेकिन फरमान है तो आपको मानना पड़ेगा आप सोच रहे होंगे ये बड़ी अजीबो गरीब स्थिति है कि फरमान को ये ऐसा कैसे आ सकता है कि हम विकसित हो गए जी नहीं अभी आपके पास ये फरमान नहीं आएगा लेकिन कल परसों उसके बाद कभी भी आ भी सकता है यह सवाल अब इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि इस देश के तमाम नौकर को इस देश में घूम घूम कर और बाकायदा ग्राम पंचायतों तक में घूम घूम कर यह बताना है कि भारत विकसित राष्ट्र होने की दिशा में संकल्प लेकर चल पड़ा है और इस देश के भीतर में जो एग्रीकल्चर यानी खेती है और जो किसान है उसकी माली हालत में कितना सुधार हुआ है सरकार ने किस किस तरीके की कौन कौन सी योजनाएं इस देश में लागू कर दी है यह बताने का काम इस देश के आई करेंगे वो तमाम अधिकारी करेंगे जो बीडीओ से लेकर कलेक्टर तक तमाम जिलों को संभालते हैं अब उनका यह काम है कि सरकार के उन कार्यक्रमों को जनता तक यह कह कहकर पहुंचाना है कि दरअसल तो हो सकता है आपके जहन में एक सवाल इस बात को लेकर भी हो क्या ऐसा तो नहीं है इससे पहले सेना को कहा गया कि आप सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम को लेकर नौ शहरों में घूम जाइए और वहां पर अलग अलग पॉइंट बताइए और चूंकि सेना के प्रति जनता का भाव बेहतरीन होता है उसे गौरव महसूस होता है तो सरकार की योजना अगर सेना ही बताने लगे तो क्या फर्क पड़ता है सरकार तो जनता की है और उसकी योजनाएं जनता के लिए हैं, तो फिर सेना को इसमें लगा दिया जाए उसका अगला स्टेप अब नौकरशाही की दिशा में बढ़ा है यानी सवाल वह पुराना हो चला है कि सरकार पूरे सिस्टम को अपने प्रचारक के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर रही थी ये सवाल पुराना हो चला है कि सत्ता में बने रहने के लिए सत्ता के लिए जो अलग अलग सरकारी संस्थानों का उपयोग इस दौर में हो रहा था वो सारे सवाल अब पीछे छूट गए नया फरमान नौकरशाही के लिए है और इस नौकरशाही के फरमान की एक तस्वीर जरा आप देख लीजिए जो तीन दिन पहले ही जारी की गई इस देश के भीतर में चाहे वह डिप्टी सेक्रेटरी हो ज्वाइंट सेक्रेटरी हो डायरेक्टर लेवल का अधिकारी हो इस देश के भीतर में जितने भी जिले हैं उन जिलों में जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उन तमाम जगहों पर अगले साठ दिनों तक ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए जिससे लोगों के जहन में यह बात बस जाए कि हां यही वो परिस्थिति है जिसमें भारत विकसित तो हो चला है और इसके लिए बकायदा जो फरमान जारी किया गया है वह जे एस मलिक अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके जरिए यह फरमान प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उनको बताया गया कि आप ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर डिप्टी सेक्रेटरी हर अलग अलग सर्विस के भीतर डिप्लॉयमेंट होगा और एक रथ यात्रा निकलेगी जिसके जरिए गांव गांव में आप सोचेंगे कितने गांव तो गांव तकरीबन दो लाख उनहत्तर हजार गांव और जिले लगभग सात सौ पैंसठ जिले इन तमाम जगहों पर यह अधिकारी घूमेंगे हम इस बात का और आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा इस फरमान को देख लीजिए प्रसन्न कुमार वाजपेयी को आपने सुन लिया होगा आप प्रसन्न कुमार वाजपेयी को सुनने के बाद आप हिसाब किताब लगाइए कि देश किस तरफ जा रहा है और वो हमास के जो छोटे छोटे वीडियो मैंने डाले हैं उस पर भी सोचिएगा कि देश किस तरफ जा रहा है मतलब इंडिया कंफ्यूजिंग इंडिया है या इंडिया को कंफ्यूज किया जा रहा है आरएसएस के लोग टोपी पहुंच जाते हैं वहां पर इसराइल के दूतावास के सामने हमें जाने दो हम ये कर कर देंगे वो देंगे भाई छोड़ो देश के हिंदुओं को रोजगार तो दिलवा दो आर वालों एस तो बेरोजगार पड़े हैं उन पर कौन बात करेगा जिले सुबहानी तो बात नहीं करेंगे जिले सुबहानी तो अपने पैतरे खेलते हैं एयर कंडीशनर रूम में बैठ करके बड़े बड़े हवाई जहाजों में घूम करके देश का सौदा जो कि यह ऐसी पहली सरकार है अस्सी सालों में जो नौकर शाहों को और सबको अपने प्रचार पर लगा रही है कि देश विकसित बन चुका है जहां सड़कें ठीक से नहीं बनी है जहां बेरोजगार हैं लोग देश विकसित बन गया जय हो मोदी जी की महिमा अपरंपार है नमस्कार जय हिंदू